नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टैप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचपी पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचपी पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को अनाउंस किया गया था, जिसका एग्जाम एचपी पीएससी द्वारा कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है एचपी कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टोटल 1226 वैकेंसीज का इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 877 वैकेंसीज हैं और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 292 वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार से टोटल 1226 वैकेंसीज हैं और साथ में 57 जो है वो ड्राइवर की वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो सर्कुलर है, इसमें कुछ की पॉइंट्स लिखे गए हैं जो मैं आपके साथ पेश करना चाहूंगा। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वो अपना रिक्वेजिशन दें कि उनको कितनी कितनी वैकेंसीज जो है वो फिलअप करनी है कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग। तो जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, जो पुलिस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि बहुत जल्द आपको एचपी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो एग्जाम की अगर हम बात करें तो टोटल जैसे 1226 वैकेंसीज इसमें लिखी हुई है। ये जो पेज है मैं आपको शेयर करूंगा, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आपने प्लीज वहां से एक बार पूरा पढ़ लेना इसको, आपको पूरा क्लियर कट समझ आ जाएगा कि अपना पुलिस का जो डीजीपी होता है उसको ये चीजें जो है वो भेज दी गई हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये सर्कुलर जो है वो भेजा गया है। उनसे पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप ब्रेकअप बता दीजिए कि कितनी कितनी वैकेंसी जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट को चाहिए। टोटल वैकेंसी का जिक्र है 1226 और वन गांव में एक ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनकी की जाएगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि भाई एग्जाम लिया जाएगा इनका। ठीक है, एग्जाम लिया जाएगा। तो आई होप ये चीज आप सभी के लिए बहुत खुशी भरी चीज होगी। अगर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, काफी स्टूडेंट थे जो कॉन्स्टेबल के एग्जाम का वेट भी कर रहे थे, तो बहुत जल्द आपको इसकी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। अब देखो दोस्तों, मुद्दा ये है कि एग्जाम तो चलो हमें पता चल गया कि हाँ इतनी वैकेंसीज हैं और एग्जाम तो आएगा, लेकिन उसका सिलेबस क्या होगा, है ना। अब ये दो पॉइंट्स हैं, एक तो सिलेबस क्या होगा और एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, एग्जाम को कंडक्ट कौन करेगा, मतलब कि कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होने वाली है। क्या एचपी पीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा या कोई और बॉडी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टेबल का पेपर होता है, इसको कंडक्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, इसको खुद कंडक्ट करवाएगा। जैसे पटवारी का पेपर होता है उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाता है जी, है ना, उसी प्रकार से जो कॉन्स्टेबल का पेपर होता है उसको कौन करवाएगा, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंटल पेपर होता है ये। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर डिपार्टमेंटल पेपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो कि जो एचपीएसएससी द्वारा करवाए जाते थे जितने भी एग्जाम कंडक्ट, उन सबका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया था बाय एचपीपीएससी, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका जो सिलेबस है वो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि मैथ, एचपी, जीके, जीएस वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब इसके ऊपर डिटेल्ड जो सिलेबस का वीडियो होगा वो जरूर मैं आप सभी के साथ कल शेयर करूंगा। कल मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं पूरा का पूरा पेपर इसका डीकोड करके एग्जाम का क्या लेवल होता है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, ये हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर एचपी पुलिस में कॉन्स्टेबल बनना चाहते हैं, तो भाई आपका जो सपना है ना वो इस साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस साल इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और डिपार्टमेंट के द्वारा जो एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इस साल के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन है या नहीं है। क्लियर, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। बाकी कल मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा, आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, बाकी एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, तैयारी जो है ना वो अभी से शुरू कर लेना, जो प्रेपरेशन है ना अपनी, ये नोटिफिकेशन का वेट मत करना। क्योंकि होता पता क्या है कि अगर नोटिफिकेशन आ गई, अगर मैं लास्ट टाइम की भी बात करूं, जब नोटिफिकेशन आती है ना उसके 2 महीने बाद पेपर हो जाता है, 2 से 2.5 महीने बाद पेपर जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाता है, मैक्सिमम 3 महीने। तो 3 महीने में तैयारी करना मुश्किल है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिंपल है लेकिन सिलेबस है बहुत वाइड है। ठीक है ना, तो तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। कुछ रिसर्च आप करिए, कुछ मैं करूंगा,
मिलजुल के इस एग्जाम की हम तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर आप खुद से भी आज आप कोशिश करिए कि कुछ प्रीवियस ईयर पेपर आप खुद से देखो, अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कल मैं आपके साथ जो वीडियो लेके आने वाला हूं उसमें पूरा एग्जाम पैटर्न, पूरा का पूरा सिलेबस, पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं वो सारा लेवल आपके साथ में डिस्कस करूंगा और आपको एक सिंपल शॉर्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। सरकार अब अलग अलग कदम उठा रही है रिक्रूटमेंट को लेके, बेरोजगारी को लेके भी हम कह सकते हैं। तो आपने क्या करना है, बस अच्छे तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हैं और इस एग्जाम को आपने देना है तो आपने तैयारी शुरू कर देनी है आप अपनी, ठीक है। तैयारी को आप शुरू करिए, आपको फिजिकली फिट रहना है, आपको मेंटली फिट रहना है, आपको मेडिकली फिट रहना है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज का क्लास मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।